हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ ओमिक्रॉन के बारे में, जिसमें आप समझिए कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है दोस्तों। और इस समय तक, यानी आज हम जब बात कर रहे हैं शनिवार 4 दिसंबर की, तो 3 केस भारत में रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के। इसमें से 2 केस तो पुराने हैं, यानी लगभग 2 दिन पहले के हैं, जो कर्नाटका से संबंधित हैं, जिसमें एक की उम्र 66 साल और एक की उम्र 43 साल है। जबकि एक नया केस जो आज ही रिपोर्ट हुआ है, वो जामनगर से है, जो जिम्बाब्वे से लौटा था। तो जिस तरह से भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले पाए जाने लगे हैं, तो निश्चित रूप से ये सभी देशवासियों के लिए चिंता की बात है कि क्या हम वापस लॉकडाउन की तरफ लौट रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अब तक जितने भी मरीज मिले हैं, तीनों मरीजों में कोई भी गंभीर लक्षण नहीं दर्ज किए गए हैं और ये तीनों मरीज डॉक्टर्स की प्रॉपर निगरानी में हैं। तो दोस्तों, चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन गंभीर बात अवश्य है। और आपको समझना चाहिए कि आप कोरोना से जैसे लड़े हैं, उसी तरह से इस ओमिक्रॉन नाम के कोरोना वेरिएंट से भी लड़ें। और स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जहां भी जाएं वहां मास्क जरूर लगाएं। लोगों से संपर्क में आते समय ये ध्यान रखें कि इन्फेक्शन अभी भी एयर में हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। आप वैक्सीनेटेड हो गए हैं, आपको वैक्सीन लग गई है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन कोई इस तरह का सुरक्षा चक्र नहीं बना रही इस समय तक, जिससे कि आप इन्फेक्शन से बच सकें। तो कोशिश कीजिए कि इस नए माहौल में अपने आप को ढालें और कहीं ना कहीं आदत में लेके आए अपने मास्क को, सोशल डिस्टेंसिंग को और स्वच्छता को, यानी हाथ धोने की जो आदत है वो अब फिर से ज़रूरत बनती नज़र आ रही है। तो दोस्तों, किसी भी स्थिति में आप अपने आप को बचाएं और इस इन्फेक्शन से क्या, किसी भी इन्फेक्शन से बचाएं। अगर आप स्वच्छता अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सभी इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। तो आगे ओमिक्रॉन से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।